देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय खेती किसानी से संबंधित, जिससे कि आपको खेती किसानी में और भी ज्यादा मदद मिल सके, वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके और आप उससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए आपको सबसे पहले अवगत कराते हैं हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के विषयों से। आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया कृषि में क्रांति के बारे में और साथ ही बात होगी दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य की। दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800-1130-60 और 1800-1130-61। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने प्रश्न पूछने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, तो अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, उसे म्यूट पर रखें, जिससे कि आप अपना सवाल अच्छी तरह पूछ पाएं और साथ ही साथ अपनी समस्या का समाधान विशेषज्ञों से हासिल कर पाएं। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी से। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र कुमार जी जो कि हमें जानकारी देंगे नैनो यूरिया के बारे में और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयवीर तोमर जी ऑनलाइन और आज हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों की। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नैनो यूरिया कब और कहाँ बना, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। नैनो यूरिया तरल सबसे पहले हमारे अपने देश में बना और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना और हमारे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल गुजरात में है वहाँ के वैज्ञानिकों ने 4-5 साल के अथक परिश्रम से इसको तैयार किया और इसका उपयोग अब हम लोग खेती में करने शुरू कर चुके हैं। जी तो बिल्कुल यहाँ तो आपने जान लिया कि नैनो यूरिया जो है वो कब बना और कहाँ बना, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारियां जरूर हासिल करेंगे कि कैसे हम इसका उपयोग जो है वो खेती में कर सकते हैं और तमाम बातें यहाँ पर योगेंद्र जी से आज हम जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का उत्तम स्रोत है। पौधों की अच्छी बढ़वार एवं विकास में नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाता है। उल्लेखनीय है कि नैनो यूरिया विश्व में विकसित पहला पेंटेंटेड नैनो उर्वरक है जिसे इफको नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात द्वारा विकसित किया गया है। नैनो यूरिया के देश भर में विभिन्न फसलों एवं मृदा जलवायु क्षेत्रों में किए गए परीक्षणों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि यूरिया जैसे पारंपरिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग में 50% तक की कटौती नैनो यूरिया द्वारा की जा सकती है। सामान्यतः खेत में डाली गई यूरिया की मात्रा 30-50% भाग ही नाइट्रोजन रूप में फसलों द्वारा उपयोग में आ पाता है। शेष बची हुई यूरिया नाइट्रोजन गैस यानी अर्मेनिया, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट के रूप में मिट्टी, वायु और जल को प्रदूषित करती है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल विभिन्न एंजाइमों, आनुवांशिकी पदार्थों, पूर्ण रहित और ऊर्जा स्थानांतरण इकाई का प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ पौधे में भौतिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए फसल की पत्तियों में लगभग 4% नाइट्रोजन होना चाहिए। नैनो यूरिया के पौधों की क्रांतिक वृद्धि की अवस्थाओं में पर्णी छिड़काव करने से नाइट्रोजन समय से पूर्ति होने से उपज में बढ़ोतरी होती है। नैनो यूरिया के साइज, आकार, रूप, सांद्रता और सतही क्षेत्रफल के विशेष लाभ है। ये कम मात्रा में पर्णी छिड़काव में प्रयोग किया जाता है जिसका पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। नैनो यूरिया के प्रयोग से पर्यावरण शुद्ध रहता है और नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ने से फसल की उपज गुणवत्ता और किसानों के लाभ में भी सार्थक वृद्धि होती है। नैनो यूरिया के अनेक लाभ हैं कि उन सभी फसलों के लिए उपयोगी है जिनके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चूंकि नाइट्रोजन सभी फसलों के लिए आवश्यक है अतः ये भी सभी फसलों के लिए उपयोगी है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ाता है। फसल की पैदावार को प्रभावित किए बिना यूरिया व अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बचत करता है। नैनो यूरिया की एक बोतल यानी 500 मिलीलीटर एक बैग यूरिया यानी 45 किलोग्राम के बराबर है। फसल उत्पादकता में वृद्धि करता है जिससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ होता है।
नैनो यूरिया के उपयोग से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता व पोषकता में वृद्धि होती है। पर्यावरण को यूरिया उर्वरक के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले कुप्रभाव से बचाता है, जिससे मृदा, वायु और जल प्रदूषित होने से बच सके। इससे संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ कृषि के लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। सुगम परिवहन एवं भंडारण खर्चों में भी अत्यधिक कमी आएगी। कम पानी की दशा में भी ये अच्छा कार्य करता है। इसमें खास बात ये है कि नाइट्रोजन कण पौधों के ऊपर से निचले फ्लोएम के माध्यम से प्रवाह करते हैं। अगर जमीन में ऊपर कम पानी है तो भी फसल पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। नैनो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की सक्षम पूर्ति हो पाती है। नैनो यूरिया का पौधे के बाद बची हुई नाइट्रोजन रिक्तिकाओं में जमा हो जाती है और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे मुक्त होकर पौधे की वृद्धि एवं विकास में योगदान देती है। तो अभी आपने नैनो यूरिया पर देखी हमारी एक खास रिपोर्ट। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयवीर का, जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर जयवीर, ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी दलहनी फसलें हमारे किसानों के खेतों में हैं और कौन से समसामयिक कार्य करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में उड़द, मूंग, लोबिया, अरहर जो फसलें आपने जून या जुलाई में बोई होंगी वो खड़ी होंगी और उनमें इस समय कुछ फसलें पकाई यानी पकने की अवस्था में होंगी, जैसे मूंग है, उड़द है और जो अरहर है आपकी, वो आपकी दिसंबर में पकेगी। तो उसमें बहुत सारे कीट, व्याधि, जल प्रबंधन और इसके बाद कटाई के उपरांत भंडारण में क्या क्या समस्याएं आएंगी उसके बारे में हम विस्तार से आपको जो है बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन सी दलहनी फसलें ऐसी हैं जो इस वक्त किसानों के खेतों में हैं और कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए, इनके बारे में जरूर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दलहनी फसलों में इस समय खेतों में मूंग, उड़द और अरहर की फसल लगी है। अच्छी पैदावार के लिए इनमें समसामयिक काम करें। कलियां बनते समय बरसात ना होने की हालत में खेत में पर्याप्त नमी रखने के लिए सिंचाई करें। इस समय दलहनी फसलों में कई तरह के रोगों के लगने की आशंका रहती है, जैसे मूंग में पीला मौजिक रोग लग सकता है। ये रोग मूंग की रोगग्राही किस्मों में ज्यादा होता है। जिन पत्तियों में इस रोग के लक्षण दिखते हैं उनके आकार छोटे रह जाते हैं। ऐसे पौधों में बहुत कम व छोटी फलियां होती हैं। ऐसी फलियों का बीज सिकुड़ा हुआ और मोटा व छोटा होता है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में जब पौधों की ज्यादातर फलियां पककर काली हो जाती है तो फसल काट सकते हैं। जब 50% फलियां पक जाए तो फलियों की पहली तुड़ाई कर लें। इसके बाद दूसरी बार फलियों के पकने पर कटाई की जा सकती है। फलियों को खेत में सूखी अवस्था में ज्यादा समय तक छोड़ने से वे चटक जाती हैं और दाने बिखर जाते हैं। इससे उपज का नुकसान होता है, इसलिए फलियों से बीज को समय पर निकाल दें। वहीं अरहर की फसल को फली भेदक मक्खी और फली बग से बचाने के उपाय भी करें। तो भी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं उनमें से है नैनो यूरिया, किस तरह से खेती में ये लाभकारी है और कैसे क्रांति ला सकता है, और साथ ही बात कर रहे हैं दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं बेहिचक फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आइए एक बार फिर से रुख करते हैं योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी, हमने ये तो जान लिया कि नैनो यूरिया कब बना और कहाँ बना है, लेकिन अब ये जानना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि नैनो यूरिया आखिर क्या है और खेती में किस तरह से लाभकारी है, जैसे कि हमारा आज का विषय है। अभी किसान भाइयों ने रिपोर्ट देखी, उसमें बड़े ढंग से बताया गया कि नैनो यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति फसल की सामान्य प्रक्रिया संचालन में ऊर्जा के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के लिए कई तरीके से बहुत आवश्यक है जी। और सबसे आवश्यक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन को हम लोग खेत में उपयोग करते हैं। अभी तक नाइट्रोजन हम लोग यूरिया के माध्यम से प्रयोग करते हुए आए थे, फिर अभी लगातार कई बार हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अगर धरती माता को तबाह करने से बचाना है तो हमें यूरिया के प्रयोग को कम करना है। मन की बात में भी उन्होंने इसका चर्चा की
और साथ में 15 अगस्त को भी पिछले सालों में उन्होंने इस विषय पे विशेष उल्लेख किया कि किसी भी दशा में हमें अपनी जमीन को यूरिया मुक्त करना है या यूरिया के प्रयोग को कम करना है। 5 बोरी डालते हैं तो 3 बोरी, अगर 6 डालते हैं तो 4 बोरी, ऐसा एक उद्बोधन है जी। वहीं से भी हम लोगों को प्रेरणा मिली और वैसे पहले से भी हमारा प्रयास था, सन 2017 से हम लोग इस तरफ कार्य कर रहे थे, हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अथक परिश्रम कर रहे थे और फिर 2019 में ये समय आया कि जब हम लोगों ने इस उत्पाद को बना लिया, नैनो नाइट्रोजन के साथ साथ नैनो जिंक और नैनो कॉपर को भी बनाया, लेकिन प्राथमिकता थी यूरिया के प्रयोग को कम करना, इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया शोध का विशेष रूप से। और 3 नवंबर 2019 को सबसे पहले हम लोगों ने इसका ट्रायल लॉन्च किया और इसके बाद फिर इसका जो परीक्षण है हम लोगों ने देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में जो प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय थे और साथ में ICR के इंस्टीट्यूट और खुद IRI भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खेत में भी, दिल्ली में भी या पूसा में भी इसके ट्रायल लगाए गए। तो किसानों के खेत पे ट्रायल लगाए गए, वो 94 फसलों के ऊपर थे और साथ में जो शोध संस्थानों में ट्रायल लगाए गए वो 20 शोध संस्थानों में 43 फसलों पे थे जी। उसके परिणाम बहुत सकारात्मक आए, यूरिया के प्रयोग में आधी कमी की जा सकी और साथ में उत्पादन को बढ़ाने में भी कामयाबी हमको मिली। बिल्कुल, इसी के साथ कामयाबी योगेंद्र जी आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगे, हमारे पहले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। हेलो, हेलो लवलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने 12 राजस्थान से हमें फोन किया, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं नैनो यूरिया के बारे में जानकारी चाहता था कि अपन गेहूं की सरसों की फसल में भी इसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, योगेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे, क्या गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो, ऐसी फसल जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन की आवश्यकता सभी फसलों में है, यानी सभी फसलों में इसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है और गेहूं की फसल में भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और कोई जानकारी अगर जानना चाहे लवलेश जी तो बताएं। जी नहीं, उनका प्रश्न जो है वो इतना ही था। आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयवीर का। डॉक्टर जयवीर, अब आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, जैसे कि हमारा आज का विषय ही है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य, तो आपने जैसे कि सबसे पहले बताया कि कौन कौन सी फसलें इस वक्त हमारे खेतों में लगी हैं, तो आपसे मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जिन दलहनी फसलों की अगेती बुआई हो चुकी है, अब 10-15 दिन के बाद उनकी कटाई का जो है वो समय है, तो क्या बताना चाहेंगे कटाई किस प्रकार से जो है दलहन फसलों की जाए? कटाई के लिए उसमें अब फलियां आ रही होंगी, तो जो फलियां मतलब परिपक्व अवस्था में है उनको आप निकाल लें, छटाई करके उन्हें काट लें। मूंग की फसल में, जो उड़द की फसल में तो एक साथ ही कटाई होगी, मूंग में हमें कई बार चुनाई करनी पड़ती है, तो मूंग में जो फलियां मतलब पक रही हैं उनको अगर मौसम साफ है तो उन्हें निकाल लें। और इसके अलावा वर्षा का ध्यान रखें कि वर्षा अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो फालतू पानी जो है वो खेत से निकाल लें। बिल्कुल, और कटाई के उपरांत भंडारण जो है वो किस तरह से करें, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? भंडारण में जो है जब आप उसके अलग निकाल लेंगे, फली से दाना अलग निकाल लेंगे, तो दाने में सबसे पहले नमी प्रतिशत जो है वो 10-12% होना चाहिए जब हम उसको भंडारित करेंगे, और एक ऐसे कंटेनर में रखें उसमें जो बिल्कुल एयर टाइट हो, और क्योंकि उसमें फिर इंसेक्ट लग जाता है, घुन बोलते हैं, पल्स बीटल जो है, तो उसके लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 1 टैबलेट 10 किलो बीज के लिए उसमें रखें, तो इससे जो है वो इंसेक्ट नहीं लगेगा उसमें। इसके अलावा नीम भी रख सकते हैं, अगर टैबलेट उपलब्ध ना हो ऐसे स्थान तो आप उसमें नीम का प्रयोग भी रख सकते हैं। इसके अलावा महुए का तेल होता है, महुए के तेल जो है बीज के ऊपर उसको लगा दें, तो उससे भी जो पल्स बीटल है वो उसमें नहीं लगेगी, घुन जो है वो उसमें नहीं लगेगा दाने में और उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भंडारण के समय ये ध्यान रखें उसमें जी।
बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी आपने जानकारी हासिल की किस तरह से आपने कटाई के उपरांत जो है वो भंडारण करना है अपनी दलहनी फसलों का। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं योगेंद्र जी का, लेकिन उनसे हम यहाँ पर सवाल जरूर करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा चुका, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांग लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कौन कौन से समसमय कार्य अभी आपने अपनी दलहनी फसलों में करने हैं। इन दोनों विषय के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए 1800-113-6061 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न, अपनी समस्याएं जो है वो आप विशेषज्ञों के सामने रखें। हमारे अगले कॉलर बीबी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश से, फोन लाइन पर उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो, हाँ जी दिलीप पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मैडम मैं पूछ रहा था कि अभी के समय में मूंग बो सकते कि नहीं। ठीक है डॉक्टर जयवीर, क्या आप बताना चाहेंगे, क्या अभी मूंग की बुआई कर सकते हैं ये मध्य प्रदेश खरगोन में? मूंग की बुआई नहीं कर सकते। मूंग की बुआई जो है दो समय में की जाती है, एक तो स्प्रिंग बसंतकालीन बुआई होती है, दूसरी जो है खरीफ कालीन बुआई होती है। बसंतकालीन बुआई जो है हम फरवरी मार्च अप्रैल तक कर लेते हैं, 15 अप्रैल तक, और जो खरीफ सीजन की बुआई है वो हम 15 जुलाई तक जो है हम अवश्य कर लेनी चाहिए। तो इस समय मूंग की फसल जो है यहाँ उत्तर भारत में जो है नहीं की जा सकती। बिल्कुल, तो यहाँ पर दिलीप जी आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो यहाँ पर डॉक्टर जयवीर ने दे दिया। भाई रुक कर लेते हैं योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी, हमने ये तो जान लिया कि यूरिया, नैनो यूरिया क्या है और खेती में इसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है या कैसे लाभकारी है, उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन इसको बनाने के पीछे उद्देश्य जो है वो क्या रहा? बनाने के पीछे एक ही प्रमुख उद्देश्य था कि यूरिया को खेत में डालने पर काफी नुकसान हो रहे थे और वो नुकसान ऐसे थे जो सीधे मानव जात से संबंधित थे और हमारे उत्पादन के से संबंधित थे, उत्पाद जो पैदा होता था उससे संबंधित थे, आदि आदि कारणों से ये सोचा गया कि एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए जो यूरिया के स्थान पे प्रयोग किया जा सके। उस विकल्प के रूप में हम लोगों ने नैनो यूरिया तरल को बनाया और इसमें इतनी कामयाबी मिली कि हम ये कह सकते हैं कि अब हम यूरिया की मात्रा को आधा या उससे कम भी कर सकते हैं। तो ये बात हुई। अब यूरिया से क्या नुकसान थे किसान भाई पहले से जानते हैं, यूरिया अगर खेत में अधिक पड़ी तो कितने नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जमीन में जो उसका माध्यम है वो अधिक यूरिया की वजह से अम्लीय हो सकता है, थोड़ा सा अधिक यूरिया की वजह से दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है जी। और पौधे यूरिया से प्राप्त होने वाले नत्रजन का अधिक उपभोग कर सकते हैं, करते ही हैं, उससे क्या होता है वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, दाने पतले हो जाते हैं, परिपक्वता जो है देर से आती है, कीट और रोग अधिक लगते हैं। ये तो ऐसे फायदे हुए जो बहुत ही सीधे तौर पे हमको दिखाई देते हैं। दूसरे जो नुकसान होते हैं यूरिया की वजह से
गलत बोल गया, और नुकसान जो होते हैं इसके अलावा जी, जो हमको सीधे दिखाई देते हैं नुकसान, वो हमने आपको बताए। इसके अलावा जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि जब अधिक यूरिया डालते हैं वो वायुमंडल में जहरीली गैस के रूप में जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको उत्सर्जित करता है जी। या फिर रिसाव के बाद जो नाइट्रेट है वो पेयजल में मिल जाता है तो पेयजल को भी प्रदूषित करता है, यानी तीनों तरीके से प्रदूषण होता है। जबकि नैनो यूरिया के प्रयोग से इस तरीके के प्रदूषण का कोई संभावना नहीं है। तो ये इसका उद्देश्य था। दूसरे बहुत आसान है जी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग में आती है यूरिया की तुलना में बहुत कम है। कम मात्रा प्रयोग में क्यों आती है कि इसके कण जो नैनो यूरिया के हैं, जो एक आधे लीटर की एक बोतल में मिले हुए हैं तरल के रूप में, वो बहुत छोटे होते हैं। यानी एक अगर कण यूरिया का लिया जाए, उसके 55,000 टुकड़े किए जाएं, इतना छोटा एक कण होता है जो आपको आंख से नहीं दिखाई देगा। दूसरा, इसका जो सतह का क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो यूरिया की तुलना में 10,000 गुने से अधिक होता है। तो इससे इसकी मात्रा का प्रयोग भी कम करना पड़ता है, और जो रासायनिक खादों से बचने की सलाह भी दी जाती है वो रसायन की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी उससे किसी तरीके का कोई प्रदूषण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर बलवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर पानीपत हरियाणा से मौजूद है, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 बलवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो बलवीर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? शायद उनके साथ संपर्क जो है वो टूट गया है। और आपको भी बता दें कि अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में, अगर आप नैनो यूरिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेहिचक हमें फोन कीजिए टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113-0606 और 6-1, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। अब आइए रुख करते हैं डॉक्टर जयवीर का। डॉक्टर जयवीर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने कटाई की बात कर ली, कटाई के उपरांत हमने भंडारण की भी बात कर ली, इस वक्त दलहनी फसलों में जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं हमारे देश के काफी हिस्सों में जो है वो तेज बरसात हो रही है और जल भराव जैसी स्थिति भी है, तो ऐसे में जल की निकासी का जो प्रबंधन है वो हमारे किसान कैसे करें, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं दलहनी फसलें काफी संवेदनशील होती हैं, तो किस तरह से जल की निकासी का प्रबंध करें किसान? जल निकास का प्रबंध तो अगर वर्षा हो रही है तो अगर उसमें पानी खड़ा है तो वो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें विल्ट उठता उठता रोग लग जाएगा जिससे जल जो है वो सड़ने लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए अपने जल निकास के लिए नालियां बनाई होंगी, उसके द्वारा उस पानी को बाहर निकाल दें। अगर पानी हमें बाहर नहीं निकाला तो उसमें वायु संचार की कमी भी हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे हानिकारक जीवाणु जो है वो फसल को फसल में लग जाएंगे और उससे जो है फसल को काफी हानि होगी। तो पानी अगर खेत में कहीं भी खड़ा है तो उसको तुरंत निकाल दें। ठीक है जी, या करना है। और सिंचाई क्या इस वक्त किसान कर सकते हैं या उसे टाला जा सकता है? नहीं, सिंचाई क्योंकि इसमें अब तो लगातार वर्षा हो रही है तो सिंचाई की इसमें अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पे सिंचाई, दो क्रांतिक अवस्थाएं हैं इस समय, एक तो जब दाना भरने की अवस्था है उसमें, और जहाँ पे अब अरहर की फसल है, जैसे अरहर की फसल में तो अभी वृद्धि और विकास का समय है, उसमें तो अभी नहीं फूल भी जो है अक्टूबर के लास्ट में आएंगे, तो उस समय एक तो फूल आने के समय सिंचाई करनी आवश्यक है अरहर की फसल में, उसके बाद जब फलियों में दाना भरने लगे तब उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और जो ये मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ये तो अब लगभग कटाई के लिए तैयार है, इसमें तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? उड़द की फसल में ऑक्सी फ्लोरफेन का खरपतवार नाशी डाला था तो उसमें, लेकिन एक महीने के पश्चात पुनः खरपतवार विकसित हो गया है तो फसल प्रभावित होने की संभावना है, कृपया इसका निदान बता दें। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर जयवीर नईमुद्दीन जी ने हमें झांसी उत्तर झांसी से फोन किया है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? तो इसमें अगर दोबारा से उसमें खरपतवार उगाए हैं तो उसको आप जो है
ग्रेडिंग यानी निकाई गुड़ाई करना ही उसमें उपयुक्त रहेगा, क्योंकि एक बार तो आप खरपतवार नाशी उसमें प्रयोग कर ही पाए। अगर ज्यादा खरपतवार इस समय जो है खड़ी फसल है उसमें कोई खरपतवार नाशी आप प्रयोग ना करें तो इस समय हाथ से निकाई गुड़ाई करना उसमें बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, यहाँ पर डॉक्टर जयवीर ने आपकी समस्या का जो है वो समाधान कर दिया है। हम उम्मीद करेंगे आपको इससे जरूर संतुष्टि मिलेगी। अब आइए रुक कर लेते हैं योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नैनो यूरिया है ये आम यूरिया से किस तरह से अलग है, कैसे भिन्न है? नैनो यूरिया आम यूरिया से बिल्कुल ही अलग है। पहला अंतर है कि नैनो यूरिया दानेदार होता है, फील्स होती है और वो खेत में जो है बिखेर करके इस्तेमाल किया जाता है। नैनो यूरिया तरल जो है ये तरल के रूप में होता है, आधा लीटर की जो एक सीसी होती है उसको हम दो बार इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब सामान्य तौर पे जो वानस्पतिक वृद्धि की प्रथम अवस्था होती है, जब किल्ले निकल रहे होते हैं या ब्रांचिंग हो रही होती है, उस समय जब कुछ हमारे खेत में वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, जब नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को सबसे ज्यादा समय पड़ती है, उस समय हम इसका एक स्प्रे करते हैं। और दूसरा स्प्रे जब फूल बनने की अवस्था आने वाली होती है उससे थोड़ा एक हफ्ते, उस समय एक स्प्रे हम इसका करते हैं। मोटे तौर पे किसान भाई ये बात समझ लें कि खड़े खेत में, खड़ी फसल में जब जब वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तब तब उन्हें नैनो यूरिया का एक स्प्रे करना है। फिर यूरिया को खड़े खेत में बिखेरने की, डालने की कोई आवश्यकता किसान भाइयों को नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, जब यूरिया का प्रयोग किसान भाई करते हैं तो उपयोग क्षमता है 30 से 40-45, बहुत तो 50%। यहाँ पे जब हम स्प्रे करते हैं तो नैनो यूरिया से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है 86% से अधिक, यानी जितना का जितना उसमें पोषक तत्व है उसका 86% भाग तक पौधे या उससे अधिक भी अवशोषित कर लेते हैं, यानी जो अवशेष है वो लगभग नगण्य होता है। यहाँ पे क्या है, अगर आपने सपोज मानो ये 100 किलो आपने यूरिया डाली, 100 किलो अगर आपने यूरिया डाली तो उसमें से जो है आपका 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में जी। तो 46% का अगर 30% जोड़ेंगे लगभग 13 किलो 200 ग्राम हुआ, यानी जो 100 किलो मात्रा आपने प्रयोग की उसमें आपके जो काम आने वाली मात्रा है वो 13 किलो से लेकर के 15 या 20 किलो तक होती है जी। बाकी अवशेष मात्रा किन्हीं न किन्हीं रूपों में परिवर्तित होकर हमको नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे जबकि नैनो यूरिया में ऐसी कोई बात है ही नहीं जी। जो भी उपयोग क्षमता है वो पूरी हो जाती है। और वहाँ पे एक सबसे खास बात का ये है कि जब इसको हम स्प्रे करते हैं अगर इसकी अतिरिक्त मात्रा जी पौधे अवशोषित करते हैं तो वो फिर तुरंत उसको उपयोग नहीं करते, वो जैसे पौधे की आवश्यकता होती है उसी तरीके से वो उपयोग में लाई जाती है, यानी बहुत ही दीर्घ काल तक या अधिक समय तक नैनो यूरिया से नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति होती रहती है। जबकि यूरिया डालने से ये बहुत ही अल्प अवधि में ही यूरिया का उपयोग हो जाता है, यूरिया का उपयोग क्या नाइट्रोजन का उपयोग हो जाता है जो कभी कभी आवश्यकता से अधिक होता है, पौधों में अधिक उपभोग भी हो जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर दाऊजी भाई इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, गुजरात से उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में दाऊजी भाई, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो नैनो ऊर्जा है वो पीएच के समय में पानी में दे सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसको हम खेत में पानी के साथ नहीं दे सकते हैं, इसको हमको पर्णीय छिड़काव ही करना पड़ेगा, पौधे के ऊपर छिड़काव करना ही इसका एक साधन है और कोई इसका तरीका नहीं है उपयोग करने का। क्योंकि यहाँ पे जो हमको करना क्या है कि उसको जब पौधे के
पत्तियों पे इसका स्प्रे किया जाता है तो पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा बोलते हैं उनके माध्यम से ये जो है पौधे के अंदर प्रवेश करता है। तो इस वजह से हम अगर किसी पानी में डालेंगे खेत में डालेंगे तो उसका उपयोग क्षमता उतनी नहीं होगी या बहुत कम होगी। अगर हम परनी छिड़काव करेंगे तो इसमें उपस्थित नत्रजन पोषक तत्व का उपभोग पौधे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको लाभ दे पाएंगे। तो केवल आपको परणीय छिड़काव ही करना है, कोई और तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, और कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे। आगे देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुवाई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में कि क्या है और कैसे खेती में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113-06-0 और 6-1, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपने अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछें। हमारे साथ अगले कॉलर मोहम्मद हसन जी मौजूद हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से, आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो मोहम्मद हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मेरा सवाल था कि नैनो यूरिया के बारे में बताया, आपने जानकारी दी जी। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज को आप बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि उसके कारण हमें आपका प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। टीवी की आवाज को बंद करें, उसके बाद साफ आवाज में आप अपना सवाल पूछिए। बंद कर दिया जी। मेरा साफ सवाल ये है नैनो यूरिया के बारे में बताया, नैनो यूरिया जो है इसकी मात्रा पर एकड़ कितनी जाननी है? ठीक है, पर एकड़ इसकी मात्रा जो है वो अच्छा, ये मेरा एरिया जो है गन्ने के क्रॉप के लिए, मतलब इंडियन क्रॉप बनने की ऑफर होती है, गन्ने में बता दें, धान में बता दें और गेहूं में बता दें कितनी जो है मात्रा पर एकड़ डालनी चाहिए नैनो यूरिया की? पर हेक्टेयर इसकी मात्रा जो है वो कितनी डालनी चाहिए? योगेंद्र जी क्या बताएंगे, गेहूं की फसल है इनकी, जितना समझ पाए हैं इनके सवाल से। नहीं, अभी गेहूं की फसल तो नहीं होगी। अभी जो नैनो यूरिया की मात्रा हमने बताई, 1 एकड़ में 1
बोतल जो है 500 मिलीलीटर की आवश्यकता है, यानी एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है तो 2.5 बोतल की आवश्यकता है एक हेक्टेयर में, यानी एक 500 ml की 2 बॉटल और आधी बोतल और 1250 मिलीलीटर की आवश्यकता एक हेक्टेयर के लिए होती है। और इसमें जो आप अभी पूछना चाहते हैं, इसका 2 बार हमें छिड़काव करना है या हम इसको थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें नत्रजन की मात्रा बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, किसान भाई 2 से अधिक बार टॉप ड्रेसिंग करता है खेत में, तो मोटा मैंने आपको बताया था जितनी बार आप टॉप ड्रेसिंग करें उतनी बार टॉप ड्रेसिंग यूरिया की न करें जी, केवल नैनो यूरिया का छिड़काव करें। मात्रा वही है, एक हेक्टेयर की अगर बात करेंगे तो जो आपने 1250 मिलीलीटर की हमने बात की है 1.25 लीटर की, उसमें से 0.25 लीटर एक बार में एक हेक्टेयर में और 0.25 लीटर दूसरी बार में, तो यानी ये 2 बार में हमको प्रयोग करना है। सामान्य परिस्थिति में अधिक नत्रजन का उपभोग करने वाली फसलें हैं, जैसे गन्ने में आपको है, तो किसान भाई 2 से अधिक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां धान में भी 2 से अधिक बार लोग यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं जी। या किसी अन्य फसल में जहां पे 2 से अधिक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग किसान भाई करते हैं, वहां से 2 से अधिक बार जितनी बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं उतनी बार नैनो यूरिया का छिड़काव कर दें, उनको यूरिया उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर दिनेश महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो जी, दिनेश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैडम जी, ये सवाल है जैसे जो नैनो यूरिया के बारे में बता रहे थे, जो खरीफ और रबी फसल दोनों में मैडम कितने कितने दिन में जैसे इसमें स्प्रे करना है, और जिसके बाद जमीन कम की खेती करते हैं जैसे आलू के रन की, तो इनमें कितने दिन में स्प्रे करना है मैडम, ये जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल, काफी स्पष्ट सवाल है ये जी। हाँ जी, विशेष रूप से आप आलू के बारे में जानना चाहते हैं। आलू में इसका बहुत अच्छा परिणाम है और ये हमने खुद अपने प्रदर्शन करा के मैंने स्वयं देखा है। आलू में नैनो यूरिया को 2 बार छिड़काव करना चाहिए। आलू जब आप लगा लेते हैं उसके 20 से 22 दिन के बाद आलू में इसका छिड़काव करें, और फिर उसके बाद में आप करीब वही 45-50 दिन के बाद फिर इस छिड़काव को दोबारा करें जी। और अगर बहुत अच्छा परिणाम नैनो यूरिया से लेना है तो हमारा एक उत्पाद है सागरिका, बहुत सारे किसान भाइयों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये भी प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी एक योजना थी कि खेती में सी वीड एक्सट्रैक्ट को प्रयोग किया जाए, खेती की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसमें हमने एक नया उत्पाद अपना बनाया है सागरिका, अभी रिपोर्ट चली थी तो आपने देखा होगा, तो वो सागरिका और इनका जो संयोग है बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और आलू में तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, हमने देखा है कि 20-25% प्रोडक्शन बढ़ता है और रासायनिक खादों की मात्रा को बहुत सीमा तक कम किया जा सकता है। तो ये एक उपयोग हमने आलू के लिए बताया। किसी भी फसल में जब इसका आप छिड़काव करते हैं तो सागरिका की 250 मिलीलीटर नैनो यूरिया और 500 मिलीलीटर सागरिका को अगर मिला के छिड़काव करेंगे तो परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे और रासायनिक खादों की कमी और कम किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी फसल हो नैनो यूरिया सब में काम करता है, और छिड़काव की संख्या 2 से लेकर अधिक हो सकती है नत्रजन की आवश्यकता के अनुसार जी। बिल्कुल, और अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयवीर का। डॉक्टर जयवीर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से खरपतवार जो है वो दलहनी फसलों को प्रभावित कर सकते हैं, और किसान अगर इसका नियंत्रण करना चाहे तो वो कैसे करें। दलहनी फसलों में खरीफ में बहुत सारे खरपतवार हैं, जैसे सांड है, मोथा है, दूब है, और ये खरपतवार जो है विशेष रूप से इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके प्रबंधन के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से दो तो आप जो है यांत्रिक विधियां हैं, यांत्रिक विधि में जैसे हाथ से खरपतवारों को निकालना, इसके अलावा निकाई गुड़ाई करना खुरपी की सहायता से, दूसरे हमें रासायनिक विधि में 3 तरीके के खरपतवार नाशी होते हैं। एक तो खरपतवार नाशी
प्री प्लांट बोलते हैं जिनको बुआई से पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसमें प्रमुख है क्लोरोलिन, बैसालिन के नाम से मिलती है। दूसरे वो खरपतवार नाशी होते हैं जिनको हम अंकुरण पूर्व प्रयोग करते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं जिसमें पेंडीमेथालिन है उसका प्रयोग करते हैं। और तीसरे खरपतवार नाशी वो जो है बुआई के 25 से 30 दिन बाद पोस्ट इमरजेंस यानी कि खड़ी फसल में उनका प्रयोग करते हैं, इसमें इमीजा थापर है, इमीजा थापर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रासायनिक विधि का भी आप कुछ सलाह ले सकते हैं और यांत्रिक विधि से भी खरपतवार नाशी खरपतवार प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा एक समन्वित खरपतवार प्रबंधन जिसमें जो है हम माल्यात में हर्बिसाइड यूज कर लिया, उसके बाद हम 30 दिन बाद उसमें एक निकाय गुड़ाई कर लें यानी कि दो या दो से अधिक बीजों का एक साथ प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से भी हम खरपतवार प्रबंधन जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने खरपतवार प्रबंधन के बारे में काफी अच्छी जानकारी जो है वो हमारे किसानों को दी है कि कौन कौन सी लगती हैं और कैसे उनका नियंत्रण कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया, किस तरह से आप खेती में इसका लाभ ले सकते हैं इसके बारे में, और साथ ही बात हो रही है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए 1800-1130-6061, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयवीर तोमर जी। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप फोन उठाएं और हमारा नंबर मिलाएं। योगेंद्र जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि नैनो यूरिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी जो है वो अभी तक आपने यहाँ पर दी है, लेकिन अगर हमारे किसान इसकी विधि के बारे में जानना चाहें, इसके छिड़काव के बारे में जानना चाहें, तो इसके छिड़काव की विधि क्या है, इसको कब इसका इस्तेमाल जो है वो खेतों में करना चाहिए, क्या सुबह के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए, और छिड़काव के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसान भाई छिड़काव करने के समय बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब ओस खत्म हो जाए उस समय इसका छिड़काव हमको करना है। और हमने बताया कि 250 मिलीलीटर को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलना है। ये फसल की अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा, फसल में अगर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा है तो पानी की मात्रा अधिक लगेगी, और वानस्पतिक अगर उसकी वृद्धि कम है, जो पहला छिड़काव है अपेक्षाकृत उसमें कम पानी लगेगा। पानी की आवश्यकता किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और सामान्य तौर पे हमें कहते हैं कि इसका आधा लीटर जो है 125 लीटर पानी में इसको घोल करके छिड़काव करना चाहिए, लेकिन पहली अवस्था में शायद पानी की मात्रा थोड़ी कम होगी और दूसरी बार छिड़काव करेंगे तो पानी की मात्रा वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने की वजह से थोड़ा अधिक होगी। तो पानी की मात्रा किसान भाई स्वयं निर्धारित कर लें, इसको वो जानते हैं, मात्रा रहेगी एक बार में 250 मिलीलीटर की और दो बार सामान्य छिड़काव करना है, और अधिक नत्रजन आवश्यकता होने पर इसका इससे अधिक छिड़काव कर सकते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो भी आपने जमीन के नीचे यानी बेसल ड्रेसिंग में नत्रजन का उपयोग कर लिया है, चाहे डीएपी डाल के कर लिया है, चाहे डीएपी के साथ यूरिया मिला के कर लिया है, उसी यूरिया का प्रयोग आपको करना है। टॉप ड्रेसिंग में आप यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया तरल का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी जो सामान्य रूप से छिड़काव में रखी जाती है वही आप रखें, मुंह के ऊपर गमछा या मास्क लगा के रखें, हाथ में ग्लव्स पहन लें, और शरीर खुला न रहे तो बहुत अच्छा है, यद्यपि इसकी कोई हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पे नहीं पड़ने वाला है, ये इसकी जांच पूर्ण रूप से कर ली गई है और इसके बाद ही ये इसको भारत सरकार ने हमको उसकी स्वीकृति दी है, हम इसको किसानों के बीच में ले जाएं। कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, लेकिन सामान्य जो सावधानी है बोतल को हिला लें जो भी प्रयोग करने जाएं जी। और उसके बाद में पानी की निर्धारित मात्रा में इसको मिलाएं, मिलाने के बाद में शरीर को ठीक से ढक करके मास्क लगा करके और ग्लव्स पहन करके इसका छिड़काव करें। बिल्कुल, हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव न करें, और जो इसमें जितनी ही जो नोजल है जिसमें ज्यादा एक तरीके से मिस्ट बने, बहुत जितने छोटे कणों में छिड़काव करेंगे उतना ही इसका प्रभाव और अच्छा होगा। तो
इस तरीके की सावधानियां छिड़काव में लें और प्रयोग विधि मैंने आपको जैसे बताई है वैसे इसका प्रयोग करें। और अगर इसके साथ वैसे भी ये पूरा तरीके से नेत्रजन का विकल्प है, लेकिन इसके साथ कोई और मान लो आप बायोस्टिमुलेंट मिलाना चाहते हो, जिसमें विशेष रूप से मैं सागरिका का मैंने उल्लेख क्यों किया, उसको मैंने सभी फसलों में करा कर देखा, तो वो उसको मिला करके भी इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर जोधपुर राजस्थान से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हेलो ओम प्रकाश जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? ये मूंगफली वाली नैनो यूरिया 7 दिन की फसल है, डाल दी नहीं डाल दी? सवाल आप अपना फिर से दोहराएं। जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, नैनो यूरिया है मूंगफली की 7 दिन की फसल में डालनी कि नहीं डालनी? मूंगफली की फसल में जी नैनो यूरिया को आप मूंगफली की फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये देख लें कि मूंगफली की फसल किस अवस्था में है, यदि आप उसको अभी उसमें नीचे फलियां बैठ रही हैं, पुष्पावस्था है, तो बहुत उत्तम समय है आप अभी इसका छिड़काव कर दें, आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। और साथ में जो हमने बताया है उसको मिला करके सागरिका को करेंगे तो और अच्छा उसमें आपको परिणाम मिलेगा। दूसरा भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों की, इसको उपलब्धता के बारे में कहाँ से होगी। अभी तक हमने पूरे देश में इसको बहुत स्थानों पर ज्यादातर सभी राज्यों में इसको भेज दिया है जी, और बहुत सारे जनपदों में इसका प्रेषण हो चुका है। हमने इसका उत्पादन जो व्यापारिक रूप से शुरू किया वो अभी शुरू किए हुए मुश्किल से महीने का समय हुआ है, 1.5 महीने का समय मान लीजिए हुआ है, लेकिन इसके पहले भी हम इसको करीब 5 लाख किसानों के खेत में प्रयोग करा चुके हैं। आपको जितने भी इफको के जितने भी केंद्र हैं, चाहे हमारी सहकारी समितियां हैं, सभी सहकारी समितियों से इसको मिल सकता है, हमारे अपने केंद्रों से मिल सकता है, और जितने फुटकर बिक्री केंद्र हैं हमारे देश भर में करीब 82,000, वहां पे इसकी उपलब्धता हम अधिकांश जगहों पे कराने का प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको नैनो यूरिया की आवश्यकता है तो हमने आपकी सुविधा के लिए नैनो यूरिया की ही नहीं, किसी भी गैर अनुदानित कृषि आदान की अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमारा एक पोर्टल है, एक इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है जी। उसको ifcobazaar.in आपको लॉगिन करना है, ठीक है बिल्कुल, और उसको लॉगिन करने के बाद आप नैनो यूरिया उसको वहां से आप पेमेंट कर लीजिए जितना चाहिए, और खास बात यह है कि उसी रेट पे इसकी एक बोतल आधा लीटर की 240 रुपए की है, 240 रुपए में आपको घर बैठे हम भेजेंगे बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, केले केले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। ओ किसान भाई समझ गए, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद जी। आइए उन कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो दुर्गा प्रसाद जी, आपने सीहोर मध्य प्रदेश से हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल है कि मैम, जैसे सब्जियों में फूल वाली अवस्था में नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं क्या वाटर सोलबल के साथ में मिला के, जैसे 19-19 या 12 एक्टर के साथ? ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप स्प्रे वाटर सोलबल फर्टिलाइजर का करते थे तो उसमें आपको कोशिश एक ही करनी है कि ऐसे वाटर सोलबल फर्टिलाइजर का चुनाव करें जिसमें नत्रजन न हो, क्योंकि नत्रजन तो आप नैनो यूरिया से मिल ही जाएगा पौधों को, उस पर आप अनावश्यक खर्चा न करें। ऐसे बहुत सारे जो वाटर सोलबल फर्टिलाइजर है जिसे सल्फेट ऑफ पोटास है उसका कर सकते हैं। एक आता है 0-54-34 उसका कर सकते हैं। मेरे कहने का आशय है कि नत्रजन वाले अगर वाटर सोलबल फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे तो वो बहुत उचित नहीं होगा। यदि आपको नहीं मिल रहा तो उससे भी कर सकते हैं, उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अधिक फायदा दूसरे वाटर सोलबल फर्टिलाइजर से आपको मिलेगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और भाई रुक करते हैं डॉक्टर जयवीर का। डॉक्टर जयवीर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि दलहनी फसलों में इस वक्त कौन कौन से रोगों और कीटों का जो है वो प्रकोप हो सकता है और उनका निवारण कैसे करें? इस समय दलहनी फसलों में जो फंगस से लगने वाली बीमारियां हैं वो है उपटा विल्ट डिजीज और लीफ स्पॉट, और इसके अलावा जो वायरस से लगता है वो येलो मोइजक प्रमुख है। येलो मोइजक जो है वो सफेद मक्खी से फैलता है और उसमें सफेद मुख्यता से लगता है और फसल को पूरी फसल को बर्बाद कर देता है अगर उसका समय पे नियंत्रण नहीं किया गया। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर जयवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो आज आपने हमारे कार्यक्रम में साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते चलते योगेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि नैनो यूरिया का किसी तरीके का कोई दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर? कोई पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं है और न ही कोई हानिकारक प्रभाव है किसी भी तरीके से। पूर्ण रूप से सुरक्षित है और पूर्ण रूप से पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। यूरिया की तुलना में तो बहुत ही अच्छा है और किसी से भी तुलना करें तो वो ठीक है। नत्रजन के लिए सबसे उपयोगी, सस्ता और बहुत प्रभावशाली स्रोत है। खास बात यह है उससे उत्पादित जो भी उत्पाद होते हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ती है, ऐसा हमने जांच करके देखा है। तो समग्रता में कहें तो इसको किसान भाइयों को उपयोग करना है और कृषि में एक पोषक तत्व प्रबंधन के नए युग की शुरुआत हुई है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि का एक अनूठा उदाहरण है, मेक इन इंडिया है। अपने ही देश के साइंटिस्ट ने पहली बार नैनो यूरिया तरल का निर्माण किया है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सुरक्षित उत्पाद है जिसका हम सभी किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां नैनो यूरिया के संबंध में दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने काफी अच्छी जानकारी जो है वो हासिल की होगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। अब आइए आपको बता दें कि कल हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। कल बात होगी कपास की खेती की और साथ ही बात करेंगे एलोवेरा की उन्नत खेती के बारे में। अगर दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी हमारा आप नोट करें hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है 1800-113-060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
और हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान के पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो, ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। Peace.